बोलो बम बम महादेव, बम बम देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। शुक्र का धनु राशि में गोचर 18 जनवरी को हो चुका है। 18 जनवरी से 12 फरवरी तक की एक कहानी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं। क्या क्या बदलाव होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का प्रवेश कुंडली के द्वादश भाव 12वें घर में है। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में है और मीन राशि वालों के लिए शुक्र का प्रवेश कुंडली के दशम भाव में है। देवी और सज्जनों, इस पर चर्चा करेंगे, इसको बताने का प्रयास करूंगा कि इसका आपके ऊपर में 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो भेजना है। इससे आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। जो फीस होगी वो आप जमा करेंगे, आपको उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि मकर राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। कुंडली के जो 12वें भाव में शुक्रदेव विराजमान हुए हैं, इसका क्या प्रभाव मकर राशि के ऊपर में पड़ेगा। 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण मकर राशि वाले जातक को 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आपको मित्रों से सुख प्राप्ति का कुछ योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके दोस्तों से कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको कुछ धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से मकर राशि वाले, आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पास में कुछ पैसा आ सकता है। अच्छा खासा भोजन, जैसे इच्छा थी लालसा है करने की, वैसा भोजन आप कर सकते हैं। इस समय में आपको बता दूं मकर राशि वाले की कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण भोग विलास का सामग्री भी आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके भोग विलास करने का भी महसूस होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण और क्या होगा, इस समय में आपका धन बढ़ेगा, पैसे की आमदनी बढ़ेगी, आवक बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। लेकिन जो भी लोग कपड़े के बिजनेस में हैं, जो लोग कपड़ा का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वो मकर राशि अथवा मकर लग्न के हैं, तो उनको कपड़े के व्यापार में नुकसान का योग भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में जो भी लोग कपड़े के बिजनेस व्यापार में हैं, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। वो लोग थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखें। 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण मकर राशि वाले लोग न्यायशील कहलाएंगे, न्याय व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और ना ही किसी को जो है सो अन्याय करने देंगे, अथवा ना ही खुद किसी के ऊपर में अन्याय जो है सो करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण आप आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहला सकते हैं। आप में आलस्य की जो है सो वृद्धि हो सकती है। इस समय में कुछ ऐसे कार्य भी आप कर सकते हैं जिसके कारण लोग आपको अच्छे व्यक्ति के तौर पर में नहीं मानेंगे। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको धातु विकार का सामना करना पड़ सकता है। 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में धातु विकार से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। आपका इस समय में शरीर हो सकता है वेट थोड़ा सा बढ़ जाए और आप थोड़े से आलसी भी हो जाए। पर स्त्री पर में आपका मन मोहित हो सकता है, जिसको बचाने की कोशिश करें आप। विभिन्न प्रकार का भोजन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति भी होगी, जिसके कारण से आप धनवान भी कहलाएंगे। इसमें में खर्चा आप बहुत सोच समझ करके करेंगे, हल्का हल्का करेंगे, मितव्ययी बने रहेंगे और शत्रु का भी जो है सो नाश होगा। शत्रु भी इस समय में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है
और कुंडली के छठे भाव पर में अर्थात यहाँ पर में शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा उसको जरा श्रवण कीजिए। महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप पराक्रमी बने रहेंगे, मकर राशि वाले आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा, गलत मार्ग पर जा सकते हैं, फिर ये विकार कुछ परेशान कर सकता है आप, और इस समय में आप थोड़ा सा बोल ज्यादा सकते हैं, वाचाल प्रवृत्ति के व्यक्ति आप कहला सकते हैं। देवी और सज्जनों, मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में शुक्र का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण कुंभ राशि वाले जातक को इस समय में धन का अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको और आपके प्रताप में भी वृद्धि के योग जो है सो नजर आ रहे हैं। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य को बड़े ही सफलतापूर्वक जो है सो आप संपन्न कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय में आपको उत्तम भोजनाद की प्राप्ति का योग बन रहा है, आपको अच्छा खासा भोजन जो है सो प्राप्त होगा, आपको अच्छा खासा जो है सो जैसा मन था वैसा भोजन खाना आपको मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको स्त्री संबंधित सुखों में भी वृद्धि के योग जो है सो कुंभ राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण आप इस समय में प्रसन्न अनुभव कर सकते हैं और मित्रों का भी आपको सहयोग पूर्ण तौर पर में प्राप्त होगा। कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या होगा? कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण जो है सो आप भोग विलास का अवसर आपको प्राप्त होगा। आप भोग विलास करेंगे देवी और सज्जनों, वाहन का सुख भी जो है सो आपको प्राप्त होगा। इस समय में कुंभ राशि वाले जातक का कुछ स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के योग, कुछ ऐसी संपत्ति, कुछ ऐसा दौलत जो लंबे समय तक चले प्राप्ति का योग है। आप लोकप्रिय भी कहलाएंगे इस समय में, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, आप परोपकारी कहलाएंगे, आपको अच्छा खासा काम करने का जो है सो अवसर मिलेगा और दूसरों की भलाई भी करेंगे। धनवान प्रकृति के व्यक्ति आप हो सकते हैं, आपके गुण में वृद्धि हो सकती है, काम वासना की अधिकता हो सकती है और संतान का सुख जो है सो आपको भोगने का अवसर भी प्राप्त। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है। कुंडली के पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, आपको धनवान समझा जाएगा और कन्या संतान और पुत्र संतान दोनों का सुख आपको प्राप्त होगा, आपका प्रेम संबंध भी अच्छा चलेगा और आपकी बुद्धिमानी भी इस समय में आपके काम आएगी। कुंभ के बाद अब मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में शुक्र का प्रवेश है। कुंडली के दशम भाव में शुक्र का प्रवेश क्या दर्शाता है मीन राशि वालों के लिए, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, दशम भाव में शुक्र का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक तौर पर में कुछ पीड़ा, कुछ परेशानी की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, कुछ मानसिक चिंताएं जो हैं सो आपको घेर सकती है मीन राशि वाले, धन का कुछ नुकसान भी आपको हो सकता है, नौकरी और बिजनेस व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं का भी मीन राशि वालों को इस समय में सामना करना पड़ सकता है। आप इस समय में शत्रु भी देखेंगे आप कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कार्यों में सफलता मिलती हुई कम नजर आ रही है, जन साधारण से विरोध होने की भी संभावना दिखाई दे रही है, आपको जनसाधारण से विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, स्त्री वर्ग से भी कुछ दुख प्राप्ति का योग आपके लिए नजर आ रहा है और सगे संबंधियों से भी अनबन होने की संभावना नजर आ रही है, राज्य की ओर से कुछ परेशानी की भी बात सामने आ रही है। देवी और सज्जनों, शुक्र के कुंडली के दशम भाव में बैठने के कारण और क्या होगा, तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में भोग विलास करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, आपके ऐश्वर्य में जो है सो वृद्धि होगी, आपको
न्याय प्राप्ति का योग बनेगा। इस समय में आप न्यायवान खुद भी बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान रहेगा, आप विजयी बनेंगे। इस समय कुछ लोग भी आपको घेरने की कोशिश कर सकता है और धार्मिक प्रवृत्ति के आप बने रहेंगे। संगीत वगैरह के तरफ आपका रुझान रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, गुणवान बने रहेंगे और दयालुता जो है आपके अंदर रहेगी। देवी और सज्जनों, शुक्र की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है और चतुर्थ भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके सुख में वृद्धि का योग है। आप सुंदर दिखेंगे, समाज सेवी बने रहेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, आज्ञा का पालन करेंगे और राज सेवी बने रहेंगे, यानी कि अपने राज का सेवा भी आप करेंगे। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही थी मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की राशिफल 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में, कि कैसा रहने वाला है आपका ये समय, हमने बताने की कोशिश की। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।